क्या हुआ, तुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? पापा ठंड है तो लग रही है ना, वो सब तो है लेकिन इतनी भी नहीं है ना। और ऊपर से तुमने दो सूटर एक चादर भी पहनी हुई है और अब भी तुम्हें सर्दी लग रही है। बेटा सर्दी ना सिर्फ इंसानों को ही लगती है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए एक हीटर खरीद लेता हूँ। अरे नहीं नहीं रहने दो, आपको अपने बच्चों को सर्दी से कतल होते हुए देखने में बहुत मजा आता है ना, आपको पैसे बचा के रखे हैं आप। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? एकदम सही बोल रहा हूं मैं, पहले बोला था कि हीटर ले लो मगर नहीं। हाँ यार मुझे भी अब थोड़ी थोड़ी फील हो रही है, तू कब से इंसान बन गया क्या? अच्छा एक काम कर, अगर तुम्हें यहाँ बहुत सर्दी लग रही है ना तो तुम किसी और शहर चले जाओ। हाँ ये ठीक रहेगा, एक काम कर तू ना कराची चला जा, नहीं यार या फिर लाहौर। गिलगित? बचाने का प्लान बना रहे हो या मरवाने का? फिर तो तू मर ही जा। क्या मेरा मतलब है कि तुम मरी क्यों नहीं चले जाते? अरे नहीं यार वो तो ज्यादा ठंडा है। तो फिर कहाँ जाओगे? एक काम कर तू ना पड़ोस के घर ही चला जा, वहां ठीक रहेगा। ये ठीक है, बस वेरी गुड। देखा देखा, एक बात बता, क्या पड़ोस के घर में सर्दी नहीं है? नालायक, सब पता है मुझे, बापू तुम्हारा, तुम्हें कोई सर्दी वर्दी नहीं लग रही, सब नाटक कर रहे हो। क्या है ना पापा कि उनके घर से पहले हमारा घर आता है, इसलिए सर्दी ज्यादा यहाँ आती है और वहां कम जाती है। हाँ हाँ बापू तुम्हारा। तो मैंने कब मामा कहा? चुप। अगर मुझे जो मिल गए ना तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। क्यों कहाँ जाओगे? मैं किसी और शहर चला जाऊंगा, वहीं घर खरीदूंगा और वहीं रहूंगा। अच्छा भाई किस शहर जाओगी? मेरी तो पसंदीदा जगह कश्मीर है, वहीं जाके रहूंगा। भाई मैं भी आपके साथ ही चलूंगा, मुझे तो इमेजिन करने में भी बहुत मजा आ रहा है। हाँ यार क्या मौसम है वहां की, ठंडी ठंडी हवाएं। हाय अभी तो तुम सर्दी से खींच खींच कर मर रहे थे और तुम्हें अचानक मरे के हवाएं कैसे पसंद आने लग रही हैं? और इसी ठंडी हवाओं में चिप्स और बर्गर भी खाए। चिप्स से नहीं, तुम दोनों मुझसे चप्पल खाओगे। 24 घंटे सिर्फ ख्वाब देखते रहते हो लेकिन स्टडी का कोई नामो निशान ही नहीं है। अंकल मैंने तो इसके लिए स्टडी छोड़ी थी, दोस्त के लिए कुर्बानी दी थी। वो कैसे? अंकल एक बार मैं प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रहा था तो जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा और देखा कि प्रिंसिपल इसकी बेइज्जती कर रहा है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसी दिन से सोच गया कि मैं स्टडी नहीं करूंगा और मैंने कुर्बानी दे दी। प्रिंसिपल ने उसकी बेइज्जती की और तुमने स्टडी छोड़ दी, इसमें स्टडी का क्या कसूर था? क्योंकि उसके पास नॉलेज था इसीलिए वो इतना बोल रहा था, तभी मैंने सोचा कि ये नॉलेज हमारे पास क्यों नहीं आती, सिर्फ अमीर लोगों के पास ही क्यों जाती है, बस इसीलिए। अबे वो अकुल के अंदर तालीम कोई iPhone 11 नहीं जो सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। तो फिर हमारे पास क्यों नहीं आती? तुमने कभी कोशिश की? नहीं तो फिर क्या खाक खाएगी बिना कोशिश के? मोहतरमा जी बाबा, आपने किस खुशी में स्त्री को तलाक दी? और ये आपने मोहतरमा किस खुशी में बोला? हाँ बेटा क्योंकि तुम जनाब बोलने के लायक नहीं है ना। अरे पापा वो क्या है ना कि मैंने भी गुड्डू चाचा के लिए ये सेक्रीफाई दी। गुड्डू के लिए? वो क्यों, तुम दोनों का अफेयर चल रहा है क्या? अरे नहीं पापा, वो क्या है ना कि एक बार गुड्डू चाचा मुझे बोल रहे थे कि अगर तुझे जॉब मिल गई ना कि अगर तुझे जॉब मिल गई ना तो मैं तो खुशी से मर जाऊंगा, इसीलिए मैंने सोचा कि ना मैं पढ़ूंगा ना मुझे जॉब मिलेगी और ना ही गुड्डू चाचा मर जाएंगे, तो इसीलिए मैंने उसकी जान बचाने के खातिर ये सेक्रीफाइस। वाह बेटा वाह, बस अरे लाने थे तुझ पे गधे, वो ये बोल रहा था कि मैं खुशी से मर ही जाऊंगा और तुमने स्टडी ही छोड़ दी। उम्र सारी मरी बोल रहा था, कल से तुम स्टडी शुरू करोगे। इससे मर क्या जाए, क्या मौका?
कुछ नहीं पापा, कल से शुरू करूंगा ना बस। और तुम भी दोस्त के इश्क में अंधे, दोस्ती फिल्म देखकर खुद को हीरो समझ रहा है और दोस्ती निभा रहा है। जी अंकल, आज से मैं इस गधे के लिए कोई कुर्बानी नहीं दूंगा। हाँ, सेम टू यू। हाँ, थैंक यू अंकल। ये लो, तुम लोग नया हीटर लेके आओ, तुम्हारी सर्दी खत्म हो गई। अच्छा छोड़ो बस। है ना पापा? ये लो। पापा वो 20 रुपए दो ना, इजी लोड करवाना है। चल निकल। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था बस। चलो चलो। उम्र सारी।